आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सरदार पटेल की जयंती पर सीएम के आदेश के बावजूद भी कई विभागों पर पड़े मिले ताले। छठ पूजा के दौरान हुआ बड़ा हादसा, नहर का पुल टूटने से कई ग्रामीण हुए घायल। देहरादून से हल्द्वानी जा रहे हेलीकॉप्टर का कराया गया आपात लैंडिंग, पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। सड़क किनारे पलटे मिले कंटेनर में गोवंश, मृत गोवंश का कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 147वीं जयंती है। आपको बता दें, मोदी सरकार उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। वहीं सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसी क्रम में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने अपनी मौजूदगी में दो कार्यक्रम दर्ज कराए, जहाँ मुख्यमंत्री योगी ने पहले अपने सरकारी आवास से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। वहीं इसके बाद लखनऊ के जीपीओ पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है, उनकी स्मृतियों में आयोजन हो रहे हैं, उनके योगदान को पूरा देश कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उनके प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सपना देखा था, उनके इस सपने को ही भारत बनाने के लिए आज आप देख रहे होंगे कि गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लग चुकी है। आज वो अपने आप में एक तीर्थस्थल बन चुका है। आज देश के अंदर आजादी के बाद भले ही कुछ लोगों ने, कुछ सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मरण करने का प्रयास किया हो, लेकिन हम सब आभारी हैं कि वर्तमान भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, पिछले 8-8.5 वर्षों के अंदर पूरा देश उसे देख रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां हेलीकॉप्टर में सवार ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस डायरेक्टर अरुण कुमार समेत दोनों पायलटों को तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर का खेत में सावधानी पूर्वक लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग को देखते हुए स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिससे पुलिस की मदद से उन पर नियंत्रण पाया गया। खबर चंदौली से है, जहां छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में किसी भी तरह की अनहोनी का सामना नहीं करना पड़ा। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को छुट्टी दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने टूटे पुल की जाँच करवा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। यहाँ पे मतलब हम लोग सुबह के समय छठ पूजा देख रहे थे, अचानक पुल टूट जाने के कारण 5-6 लोग मतलब चोट लगी, उसमें से 4-5 लोग तो इलाज करा लिया आसपास, लेकिन एक लोग जो की लड़की है मतलब उसे बहुत ज़्यादा चोट आया है और वो BHU में एडमिट है। अब उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति इस समय तो सर ठीक ठाक है। सुबह मॉर्निंग के टाइम छठ पूजा हम लोग देखने के लिए आए थे, ये पुल जर्जर होने के कारण, मतलब बहुत पुराना पुल है, इसलिए कुछ लोग इकट्ठा ज़्यादा हो गए थे हम लोग, तो इसके कारण वो बैठ गया। कितने लोगों को चोट आई थी? 5-6 लोग को चोट आई, इसमें हम भी थे और 5-6 लोग, जिसमें हम लोग इधर ही इलाज करा लिए
एक लड़की थी जिसका नाम बन्ना पाल है, वो बनारस इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या स्थिति है इसमें उस लड़की की? वो अभी ठीक है, फोन से बात हुआ तो बोले लोग ठीक है अभी। ये मेरा चोट वहाँ पे मेरी बुआ छठ कर रही थी, मैं गांव गई थी तो वहाँ पे मतलब कि जो पुल था, पुलिया सकरा था और बहुत पुराना था। उसमें हम लोग थे, भाई बहन थे, मेरे अंकल की लड़की, बुआ की लड़की, सारे लोग थे। अब वो अचानक पूरा पुल लेके पूरा खिसक गया, उसी में हमारे पैर पे सब पत्थर उत्थर आ गया, बुआ का लड़का था सब आ गया। मुझे काफी चोट लगा, उस टाइम तो पता नहीं चला कि मुझे चोट लग रहा है, लेकिन अब काफी यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए हैं, फिर अभी फिर से सेकैया कर रहे हैं। अच्छा, उसका अच्छा। बोले हैं थोड़ा घरेलू वाला, मम्मी बताई थी जैसे जैसे कर रहे हैं। घटना वह पुल छठ के समय गिर गया, तो ये इसमें चोट भी आई है किसी को? हाँ, 5-6 लोग। तो ये कितने समय पहले का पुल है? ये हुआ 53 का, 1953। तो काफ़ी जर्जर हो चुका होगा पुल। हाँ, तो इसमें मना नहीं किया गया इस पे कि पुल पे आप लोग ना जाएं? पुल पर मना करा, लेकिन मेला बास आ तो उसमें कहाँ करा जाए, मेला में पुल लिखा पर जाके जुट गई ना। कितने लोगों को चोट आई है? 6 लोग को। और कहाँ हैं वो लोग जिनको चोट आई है? 4 लोग तो इसी जगह अंदर दवाई करा के घर हो गए, बाकी एक लोग बनारस गए हैं, इनका इलाज हुआ। ग्राम सरैया थाना चकिया में आज प्रातः छठ पूजन के दौरान करमनासा नहर की पुलिया, जो काफ़ी पुरानी है, उसके एक किनारे की कुछ ईंटें सरक कर नीचे पानी में गिर गईं। इससे कोई चोटिल या घायल नहीं हुआ। छठ पूजा का समस्त कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खबर हरदोई से है, जहां रोड किनारे पलटे कंटेनर में जिंदा और मृत गोवंश होने की सूचना ग्रामीण ने पुलिस को दी, जिसके बाद घटना स्थल पहुंची पुलिस ने मृत गोवंश का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। साथ ही जिंदा मवेशियों को प्रधान और ग्रामीण की मदद से गौशाला भेजा गया। पुलिस ने अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश भी जारी किए हैं। थाना मल्लावा का मामला है। मल्लावा पुलिस को सूचना मिली कि UP 78BT 8301 एक कंटेनर है जिसमें जो पलट गया है, जिसमें मौके पर 32 जानवर मिले हैं, जिसमें 14 मृत हुए हैं और 18 जीवित हैं। जो जीवित जानवर हैं उनका मेडिकल करा करके उनको तेजीपुर गौशाला भेजा गया है। प्राथमिक जांच में जो पता चला है कि माधवगंज से कच्चे रोड की तरफ से ये मल्लावा राघोपुर रोड पर आ रहा था, जहाँ पर भट्टे के पास ये पलट गया है। तहरीर प्राप्त की जा रही है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो भी लोग इसमें दोषी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से, जहां दबंग युवक ने मामूली विवाद में अवैध तमंचा दिखाकर गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़ित युवक ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हरपालपुर में ग्राम अचनाकपुर है, वहाँ पे गिरीश चंद्र हैं, वो अपना घूरा फैला रहे थे। तो गांव का ही एक लड़का धर्मेंद्र पुत्र सूबेदार आया और वो तमंचा लहरा रहा था, गाली गलौज किया। इस पे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके से धर्मेंद्र को पकड़ लाई है, तमंचा बरामद किया है, मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। खबर रायबरेली से, जहां दिव्यांग सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग में दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा ने कर्मचारियों के साथ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता अखंड की शपथ भी दिलाई। तो वहीं सीएम के निर्देश के बावजूद डूडा विभाग और DPRO के विभाग समेत कई विभागों के दफ्तर पर ताले पड़े रहे। खबर संभल से है, जहां रोजगार सेवक और उनके साथियों ने जाफरपुर निवासी रोहन सिंह के घर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट की। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि सभी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, पर अभी तक पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। खबर सीतापुर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई बैठकें आयोजित कर रही है, जिसमें निकाय और वार्ड स्तर पर रणनीति बनाकर प्रभारियों को नियुक्त करने पर चर्चा की गई। सिंधौली मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीत हासिल करेगी।
खबर सीतापुर से है, जहां सरदार पटेल की जयंती पर सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन समेत शिक्षक शिक्षिका और विद्यार्थियों ने उनकी भव्य प्रतिमा कर मल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।